My love never had a hold on me, but when she सर्दियों में गाजर का हलवा खाना किसे नहीं पसंद, लेकिन जब गाजर आपके बगीचे में हो तो रोज खाना रोज बनाना बनता ही है। काफी दिनों से मेरे मदर इन लॉ कह रही थी कि गाजर का हलवा बनाते हैं, पर हम लोगों को फुर्सत ही नहीं मिल रही थी क्योंकि आज लोकल हॉलीडे है। हमने सोचा आज ही बनाया जाए। जो लोग गाजर का हलवा बनाते हैं उन्हें मालूम है कि गाजरों को ग्रेट करना एक बहुत बड़ा हेडेक होता है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा बड़ा हेडेक गाजरों को प्लक करना होता है। यहाँ मेरी मम्मा तो लगी हुई है गाजर के पीछे हाथ धोकर। फाइनली वो निकाल पाई, वो सक्सीड हुई एक हेल्दी से गाजर निकालने में, लेकिन बाकी के गाजर मेरे हस्बैंड ने ही प्लक करके दिए। गाजर का हलवा बनाना एक्चुअली सबसे इजी है। यहाँ कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं होती है। एक अच्छा सा पैन ले लीजिए जो थोड़ा मोटे बेस का रहे। उसमें मैंने 3 चम्मच देसी घी डाल दिए। इंडियन स्वीट डिश है और देसी घी ना हो तो मज़ा नहीं आता। ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट सिर्फ काजू था जो मैंने तल के साइड में रख दिया। अब उसी तेल में उसी पैन में हम अपने ग्रेटेड गाजर ऐड कर देंगे और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी में और इसे ढककर हम पकने देंगे 10 से 15 मिनट तक। इस मामले में मुझे लगा कि घी थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने 1 चम्मच और इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर पकने छोड़ दिया। यहाँ देख सकते हैं कि गाजर अच्छे से गल चुका है, पक चुका है। इसने अपना पानी भी सब सुखा लिया। अब सही वक्त है चीनी ऐड करने का। मैंने 1 टीस्पून चीनी ऐड किया। जी हाँ, टीस्पून, जो छोटी चम्मच जो होती है सबके किचन में। हमारे घर में कम मीठा खाते हैं, तो मैंने बस इतना ही चीनी डाला। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगा, तो इसलिए हम इसे और थोड़ी देर ढक के पकने देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी के कारण हलवा का कलर और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा यम्मी हो गया है। हलवा बन के आई थिंक रेडी है। मैंने एक इंटरनेट हैक देखा था कि अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप दूध पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने वही किया। मैंने 1 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया और मेरे साइड में रखे हुए तले हुए काजू भी ऐड कर दिए। हो गई हमारी हलवा तैयार। इसे गर्मा गर्म ही मैंने डिश आउट किया। और जब इतनी मेहनत से आप कोई डिश बना रहे हो तो थोड़े वीडियोस थोड़ी क्लिक्स तो बनते ही हैं। तो मैं झट से निकल पड़ी अपने गाजर के हलवा के साथ अपने फेवरेट प्लेस मेरे बगीचे में। कुछ वीडियोस एंड क्लिप्स लेते सीधे मैं गई अपने मामा के पास। उन्हें गर्मा गर्म गाजर का हलवा सर्व किया। उन्होंने तो बड़े मज़े से खाए, साथ ही साथ मेरे दोनों बच्चों ने भी। आई होप आपने भी एंजॉय किया हो। अगली बार एक नई डिश और एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। She finally said